हेलो एवरीवन, दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो कब आएगा और इस बार इतना देरी क्यों हो रहा है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि लगभग जब SSC CGL का भी जल्दी हो गया है, JEE का भी रिज़ल्ट आ गया है, CHSL का भी Tier 1 का आ चुका है, CPO का भी Tier 1 और Tier 2 का रिज़ल्ट आ चुका है, तो SSC स्टैनो का क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, और उसका जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो क्यों नहीं आ रहा। तो इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अगर इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो उसे वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका जो स्किल टेस्ट हुआ था फाइनल टाइप से, मतलब थर्ड टाइम जो हुआ था, वो हुआ था आपका अप्रैल 25 और 26 को, ठीक है। उसके बाद से लगभग अब तक अगर हम आज की बात करें तो आज 13 जून हो चुका है और 13 जून तक अभी तक प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड तो कोई न्यूज़ नहीं है। बीच में हाँ, SSC ने 16 मई को प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड नोटिस निकाला था कि हाँ कुछ दिनों में प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो जाएगा, बट अभी तक नहीं हुआ, तो उसको लेकर के बच्चों के मन में एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। तो मैं समझता हूँ उस एंग्जाइटी का एक ही आंसर है, वो ये है दोस्तों, जिस प्रकार से आपका SSC CGL का जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो लगभग 50 से 52 दिन बाद आया, ऐसे ही SSC JEE का भी लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आया था, ठीक है। तो उस वजह से आपका भी जो SSC स्टैनो का भी जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो अब लगभग मान के चलिए 20 जून तक आपका प्रेफरेंस फॉर्म आपके हाथ में होगा, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि पिछली वीडियो में 15 जून बताया तो अब 20 जून क्यों कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी भी मैं यही कहूँगा कि 15 जून तक आपका आ जाएगा, बट मैक्स टू मैक्स अगर वो डिले भी होता है तो 20 जून तक आपका प्रेफरेंस फॉर्म आपके हाथ में होगा, ठीक है। और जैसे ही आपका प्रेफरेंस फॉर्म आएगा उसके लगभग 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर आपका फाइनल रिज़ल्ट भी आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपका प्रेफरेंस फॉर्म आएगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा, चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट के रूप में हो या फिर वीडियो के रूप में, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहो। और दूसरी बात वो ये है कि जैसे जैसे आपका प्रेफरेंस फॉर्म नज़दीक आ रहा है वैसे ही अपने आप को मतलब खाली मत करो, अगले एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दो जो कि आपका अक्टूबर में ही है, उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो कि आपको कैसे अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। इन 4 महीनों में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बना करके चैनल पर आज ही सुबह पोस्ट किया है, आप चाहें तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यही है कि आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है टेंशन मत लो, 20 जून तक आपके पास आ जाएगा, ठीक। बस ये है कि जब तक आप थोड़ा रिसर्च कर लो कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से आपके लिए बेटर रहेंगे, आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा अकॉर्डिंग टू पोस्टिंग, अकॉर्डिंग टू प्रमोशंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसी का ध्यान रख के ही प्रेफरेंस फॉर्म भरना, जल्दीबाजी मत करना, स्पेशली वो लोग जिनका पहली बार भरना है और मार्क्स अच्छे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मार्क्स भी अच्छे हैं और पोस्टिंग भी दूर हो जाए, ठीक है। तो मेरी वाली गलती मत करना, मैं भुगत चुका हूँ पहली बार में, ठीक है। तो यही अपडेट था प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड, आई होप ये आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, फिर मिलूँगा कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।